वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग ऑफ राइडर शेरी। आप लोगों का सबका स्वागत है इस नए ब्लॉग में राइडर शेरी के। और ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए खास है। ये ब्लॉग आप लोगों के खास क्यों है, क्योंकि इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैं जानता हूँ जब भी हम कोई गाड़ी या कार या बाइक या कुछ भी लेने जाए, कोई भी व्हीकल लेने जाए, तो हम दो चीजों पर बहुत गौर करते हैं, और वो दो चीजें हैं पावर और टॉर्क। और अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए, बिकॉज ये दो चीजें ही गाड़ी को बनाती है। एक होता पावर और दूसरा टॉर्क। आप लोगों के लिए मैं पावर और टॉर्क का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। हम गौर तो कर लेते हैं कि पावर इसका इतना है, टॉर्क इसका इतना है, बट हमें कॉन्सेप्चुलाइज्ड तरीके से उस चीज पे गौर नहीं करते, उस चीज का पता नहीं होता। तो चलो इस ब्लॉग में आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ पावर और टॉर्क का। तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से कि पावर और टॉर्क क्या होता है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही में पावर और टॉर्क एक गाड़ी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। समझते हैं हम अपना पावर और टॉर्क के बीच में डिफरेंस। पावर समझने से पहले हमें टॉर्क पे स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क में जो फोर्स लगता है वो फोर्स ही सिलेंडर के अंदर सबसे पहले जनरेट होता है। तो पहले टॉर्क निकलेगा और टॉर्क से ही हम पावर को समझेंगे। तो समझते हैं टॉर्क को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट और मूवमेंट फोर्स। मूवमेंट और मूवमेंट फोर्स मतलब, जैसे ये मेरा फिंगर है, और अगर मैं इस फिंगर को इस पॉइंट से टर्न करूं, तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज नथिंग बट क्रिएटिंग ए मूवमेंट। सो दिस मूवमेंट इज नथिंग बट यू कैन से इट इज अ टॉर्क। लेकिन टॉर्क को और अच्छी से समझने के लिए हमें फोर्स भी समझना पड़ेगा, हमें रेडियल डिस्टेंस भी समझना पड़ेगा। तो चलिए हम टॉर्क को मूवमेंट या मूवमेंट फोर्स भी कह सकते हैं, राइट? मूवमेंट और मूवमेंट फोर्स। टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज ट्विस्टिंग फोर्स, मतलब जैसे अगर मैं इसे ट्विस्ट करूं, तो ट्विस्ट करना इज नथिंग बट इट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टॉर्क, राइट? जैसे अगर एक बॉटल है, एक बॉटल है प्लास्टिक की, अगर मैं उसे ट्विस्ट कर देता हूं, सो दैट इज नथिंग बट ट्विस्टिंग फोर्स। इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जनरेटिंग अ सॉर्ट ऑफ टॉर्क, जिसकी वजह से जो बॉटल है ट्विस्ट हो जा रही है, राइट? सो मूवमेंट इज, टॉर्क इज ऑल्सो नोन एज ट्विस्टिंग फोर्स और ट्विस्टिंग इफेक्ट, राइट? नाउ व्हाट इज द मेन फॉर्मूला फॉर टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये टॉर्क का, अगर टॉर्क आपको निकालना है, तो ये टॉर्क का मेन फॉर्मूला है। अब इसमें फोर्स और डिस्टेंस, ये कौन सा फोर्स है और ये कौन सा डिस्टेंस है, ठीक है? हम जब भी गाड़ी लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि टॉर्क जो है उसका हमें यूनिट मिल रहा है, 20 न्यूटन मीटर टॉर्क गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है, या 30 न्यूटन मीटर टॉर्क इसका टॉर्क है, ऐसे डीलरशिप हमें बताते हैं। तो ये न्यूटन मीटर आता कैसे? अब टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टॉर्क का फॉर्मूला इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर हम फोर्स का ऐसा यूनिट देखेंगे तो वो होता है न्यूटन, और डिस्टेंस का अगर हम ऐसा यूनिट देखेंगे तो वो होता है मीटर। देयरफॉर टॉर्क इज नथिंग बट न्यूटन मीटर, समथिंग न्यूटन मीटर, सॉरी, टॉर्क इज नथिंग बट समथिंग न्यूटन मीटर। तो समझ में आया कि ये यूनिट न्यूटन मीटर आया कैसे और टॉर्क बनता कैसे है। अब अगर मैं सिलेंडर से आपको समझाना चाहूं कि गाड़ी के सिलेंडर में टॉर्क जनरेट कैसे होता है, तो लेट अस मूव ऑन टू द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द इंजन। तो ये हुआ, मैंने सिलेंडर बनाया, ये है हमारा पिस्टन, और ये है हमारी कनेक्टिंग रॉड। दिस इज नथिंग बट क्रैंक शाफ्ट, ठीक है? तो ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया पिस्टन, ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, ये हो गया आपका क्रैंक शाफ्ट। अब दिस इज नथिंग बट द लेंथ, LENGTH, जिसे हम मीटर में काउंट करेंगे, राइट? अब जब पावर स्ट्रोक मिलता है, जब भी हमें पावर स्ट्रोक मिलता है अपने सिलेंडर में, तो दैट इज नथिंग बट आपका सिलेंडर के अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है, राइट?
आपको तो पता है कि सिलेंडर के अंदर मेन चार स्ट्रोक होते हैं, पहला है आपका इंटेक स्ट्रोक, सेकंड इज द कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड इज द पावर स्ट्रोक एंड द फोर्थ वन इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक, राइट। अब जैसे ही सिलेंडर के अंदर एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ, एक्सप्लोजन होने से डाउनवर्ड फोर्स प्रोड्यूस हुआ, राइट, जिसे हम न्यूटन में गिनने वाले थे। तो अब टॉर्क के दो चीजें, जो दो चीजों से टॉर्क बना है, एक है फोर्स दूसरा है लेंथ, दोनों पिक्चर में आ गई है। तो फोर्स जो है, जैसे एक्सप्लोजन हुआ तो सिलेंडर के अंदर फोर्स बना, राइट। ये फोर्स क्या करेगा, पिस्टन को डाउनवर्ड मूवमेंट देगा, राइट। अब जैसे पिस्टन नीचे आया, ये नीचे आएगा और इस क्रैंक शाफ्ट को घुमाएगा, राइट। ये क्रैंक शाफ्ट आपका घूमेगा, घूमेगा क्यों, क्योंकि साथ में कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है। तो जैसे ही फोर्स ने नीचे डाउनवर्ड फोर्स दिया, जैसे एक्सप्लोजन ने नीचे फोर्स दिया तो पिस्टन नीचे आया, जिसकी वजह से कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के साथ लगी हुई है, तो आपका क्रैंक शाफ्ट घूमा। तो पिक्चर में दोनों चीजें आ गई, फोर्स और दूसरी लेंथ। लेंथ किस चीज की, आपकी कनेक्टिंग रॉड की लेंथ। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो फोर्स और लेंथ के मिक्सचर की वजह से जो चीज प्रोड्यूस हुई है, दैट इज नथिंग बट योर टॉर्क। तो समझ में आया कि टॉर्क क्या चीज है। अब ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क हमें डीजल इंजन में ज्यादा मिलता है और हमें पेट्रोल इंजन में कम मिलता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा सिलेंडर होगा उतना ज्यादा आपका फोर्स मिलेगा आपके पिस्टन को, क्योंकि अंदर एक्सप्लोजन होगा, और जितना ज्यादा फोर्स मिलेगा उतना ज्यादा आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब जो डीजल इंजन है वो उनके जो इंजन साइज होता है वो बड़ा होता है, राइट। बड़ा सिलेंडर मतलब आपका बड़ा फोर्स, बड़ा फोर्स मतलब आपका बड़ा टॉर्क। तो आपको समझ में आया कि जो आपके डीजल इंजन होते हैं उनमें टॉर्क ज्यादा होता है, और आपके जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें पावर ज्यादा होता है। पावर, पावर क्या चीज है वो हम समझते हैं अभी, लेकिन पहले टॉर्क समझ लीजिए। तो आपको समझ में आया कि टॉर्क डीजल इंजन में क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि सिलेंडर का साइज बड़ा होता है। सिलेंडर का साइज बड़ा होने की वजह से अंदर में पिस्टन को ज्यादा फोर्स मिलेगा, और फोर्स की मदद से आपको जो है टॉर्क मिलेगा, राइट। सो इसीलिए डीजल इंजन में ज्यादा, डीजल इंजन हैज गॉट मोर टॉर्क देन पेट्रोल इंजन, और यू कैन से, और यू कैन से के लार्जर द साइज ऑफ इंजन, लार्जर द टॉर्क ऑब्टेन्ड देयरफॉर डीजल इंजन has more torque than petrol engine. Petrol engines जो है वो compact होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, compact होते हैं। इसीलिए जो आपकी Formula One की गाड़ियां होती है वो सारी आपको speed ज्यादा देती है, मतलब power ज्यादा होता है उनमें, मतलब एक particular distance से दूसरे particular distance को वो ज्यादा जल्दी cover करती है, क्योंकि उनमें power ज्यादा होता है, torque नहीं। अब समझते हैं कि what is the power? पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू आरपीएम, विच इज डिवाइडेड बाय अ फैक्टर दैट इज फाइ टू फाइ टू। अब टॉर्क तो हमने निकाल लिया, मैंने पहले ही आपको बताया था कि पहले हम निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क मैंने क्यों निकलवाया था पहले, क्योंकि बिना टॉर्क के पावर नहीं निकल पाता था, राइट, क्योंकि पावर के फॉर्मूले में ही टॉर्क है, राइट। तो इसलिए पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू आरपीएम डिवाइडेड बाय फाइ टू फाइ टू। अब ये फाइ टू फाइ टू क्या है, दिस इज an adjusting factor to you know adjust the dimensions. अब torque आपको समझ गया, phi to phi to क्या है, ये adjust करने के लिए है जो dimensions निकलेंगे उसको। अब RPM क्या है, RPM is nothing but it is revolution per minute. Revolution per minute किस चीज का, revolution per minute crankshaft का। crankshaft मैंने आपको दिखाई थी, right? तो वो क्रैंक शाफ्ट
कितने रेवोल्यूशन लेती है पर मिनट, दैट इज नथिंग बट आरपीएम, रेवोल्यूशन और रोटेशन पर मिनट, राइट। पावर बेसिकली अगर हमको बीएचपी में निकालना है, मतलब हम गाड़ियों के मामले में बीएचपी में ही निकालते हैं, है ना। आपको कोई भी गाड़ी का अगर आप देखोगे बाहर स्पेसिफिकेशन खोल के, तो आपको पावर जो है बीएचपी में निकाला हुआ मिलेगा। अब बीएचपी है क्या एक्चुअली? बीएचपी का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर, इसमें ब्रेक क्या है और हॉर्स पावर क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर तो ये यूनिट है पावर का, लेकिन ये इसमें ब्रेक क्या चीज है? ब्रेक ये वो चीज है जो इंजन के ऊपर लोड की जाती है, और लोड देने के बाद उसका पावर निकाला जाता है। मतलब जब इंजन इवोल्यूशन हो, जब इंजन की टेस्टिंग होती है, जब कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो उसका इंजन डिजाइन होता है। इंजन डिजाइन होता है तो इंजन की पहले, इंजन डिजाइन होने के बाद उसका एक मॉडल तैयार होता है। अब वो मॉडल के ऊपर बंद होती है टेस्टिंग। अब जब वो टेस्टिंग होती है तब क्या होता है कि इंजन ने जो भी फोर्स इनपुट दिया पिस्टन के ऊपर, पिस्टन ने क्रैंकशाफ्ट को घुमाया, क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के बाद जो भी पावर निकला उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं, जो भी पावर निकलता है उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक लगाने के बाद टॉर्क और आरपीएम उसका गिनते हैं। जब टॉर्क और आरपीएम गिन लेते हैं ब्रेक लगाने के बाद, तो वो कितना पावर निकाल रहा है उस पर्टिकुलर टॉर्क और उस पर्टिकुलर आरपीएम पे। मतलब क्रैंकशाफ्ट के बाद अलग अलग एसेसरीज लग जाती है इंजन के ऊपर, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, उसके बाद आखिरी में टायर। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो पावर है वो रिड्यूस हो जाता है टायर तक जाने तक। तो जैसे ही इंजन से आउटपुट, जैसे ही इंजन से आपका पावर निकला, उस टाइम पे वो पावर कितना था विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ लॉसेस, दैट इज ब्रेक हॉर्स पावर, राइट। समझ आ गया कि क्या होता है पावर और क्या होता है टॉर्क। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस वीडियो में, बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एक पावर क्या होता है और एक टॉर्क क्या होता है पावर की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर कंटेंट्स। मैं ऐसी वीडियोज और कुछ ना कुछ टॉपिक्स के साथ जरूर डालते रहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा इंजन के बारे में समझ आए, थोड़ा थोड़ा इंजन आपको समझने लगे, गाड़ियों का आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ते जाए। आई होप अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आखिर लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो मेरे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। सो साइनिंग ऑफ, खुदा हाफिज, मिलते हैं ऐसी कोई नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।